उत्तराखंड से वन विभाग और लकड़ी तस्करों के बीच मुठभेड़ की खबर है। इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से 30 राउंड से ज्यादा गोलियां चली। इस गोलीबारी में एक रेंजर समेत 4 वनकर्मी घायल हो गए, जिसका लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के तराई केंद्रीय वन प्रभाग के पीपल पड़ाव रेंज में वन कर्मियों की लकड़ी तस्करों से मुठभेड़ हो गई। जानकारी के अनुसार बाइक सवार तस्कर पीपल पड़ाव रेंज के जंगल में सागौन की लकड़ी काटने के लिए पहुंचे थे और वन कर्मियों को इसकी भनक लग गई। सूचना मिलने पर रेंजर रूपनारायण गौतम अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां 12 से ज़्यादा तस्कर मौजूद थे, जिन्हें वन कर्मियों ने भगाने की कोशिश की। ऐसे में तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी और वन कर्मियों ने भी इसके जवाब में फायरिंग की। इस फायरिंग में रेंजर और 3 अन्य वन कर्मी घायल हो गए, उन्हें गोलियों के छर्रे लगे हैं। बता दें कि वन विभाग की टीम ने मौके से तस्करों की बाइक, 2 आरी और आधा कटा हुआ पेड़ बरामद किया। तक ये पता चला है कि गदरपुर थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है उसमें 4 लोग घायल हुए हैं, जिनको बहुत हल्की चोटें आई हैं और गन शॉट इंजरी है, जिसमें कि अभी डॉक्टर से पूछने पर पता चला है कि छर्रे लगे हैं इनको, और वहाँ पुलिस पहुँच गई है, वनकर्मी भी पहुँचे हुए हैं, जिससे उस क्षेत्र की घेराबंदी की जा रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।